हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से, और आज जिस टॉपिक में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ये है आपका MNC प्रिपरेशन। अब आप भी जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज एक ड्रीम जॉब होती है, और कोई भी ऐसा पर्सन जो IT फील्ड में आया है वो हमेशा ये चाहता है कि कोई बड़ी MNC माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, IBM कोई भी ऐसी कंपनी में जॉब लग जाए जिसमें हमारी लाइफ सेट हो जाए, सैलरी पैकेज अच्छे मिले, फ्यूचर बेनिफिट्स हमें मिले, और हमारे जो फैमिली है फैमिली मेंबर्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिले। तो MNC नो डाउट एक बहुत अच्छी चॉइस है। और अगर आप MNC जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्किल्स आपको बढ़ने चाहिए। तो आज मैं आपको 5 टेक्निकल और 5 ऐसे नॉन टेक्निकल स्किल्स आपको बता रहा हूँ जो आप तैयार कर ले अगर आप किसी MNC में जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके टेक्निकल स्किल्स बता रहा हूँ, जो 5 टेक्निकल स्किल्स है। पहला टेक्निकल स्किल आपका ये है कि आपकी प्रोग्रामिंग फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी आपकी प्रोग्रामिंग इतनी अच्छी हो कि आप किसी भी लेवल के जो टेस्ट है उसको पास कर सके, और आप सारे के सारे एलिमेंट्स को बता भी सके कि हमने इस एलिमेंट्स के द्वारा क्या लॉजिक लगाया। तो मेक योर प्रोग्रामिंग फाउंडेशन स्ट्रांग इफ़ यू वांट टू गो इन MNC, क्योंकि MNCs में स्ट्रांग फाउंडेशन बड़ा ज़रूरी है। दूसरा टेक्निकल आपका स्किल ये है कि आपके डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होने चाहिए। सभी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में स्टैक, एरे, लिंक्ड लिस्ट, ग्राफ, ट्री ये रहते हैं, तो इनका प्रैक्टिकल आपको जितना अच्छा रहेगा उतने लॉजिक्स आपके खुलेंगे, उतने बड़े सॉफ्टवेयर्स पर आप काम कर पाएंगे, और उतने ही ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज के फेवरेट्स भी आप होंगे। तो डेटा स्ट्रक्चर को हल्के सा ना ले, इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से आप क्या करें, प्रिपेयर करें, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज डिमांड करती है। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिथम। आप जानते हैं एल्गोरिथम से जिसमें आप जो है एक लेआउट तैयार करते हैं सॉफ्टवेयर का, वेबसाइट का, ऐप का, कि आपका सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऐप काम कैसे करेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब बात हम एल्गोरिथम की कर रहे हैं तो एल्गोरिथम्स आपके इतने प्रॉपर होने चाहिए कि आप जो है लेआउट्स को इनपुट आउटपुट और जो आपका प्रोसेस है उसको बहुत जल्दी डिज़ाइन कर सके, और डिज़ाइन करने के साथ उसको आप अप्लाई कर सके। तो एल्गोरिथम्स को जो आप बहुत ज़्यादा समय नहीं देते, आप एल्गोरिथम को बहुत ज़्यादा समय दे। चौथा है, वेबसाइट और ऐप डेवलपमेंट जरूर सीखे, क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज में ज़्यादातर वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट्स चलते हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में चलते हैं, तो आप इन प्रोजेक्ट्स को क्या करें, जरूर सीखें। वेबसाइट ऐप डेवलपमेंट को आप मास्टर करें, क्योंकि इसके बिना आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और पाँचवा टेक्निकल स्किल, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस, इस समय काफ़ी आपने सुना होगा। तो आप अगर मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस को अपना काफ़ी परफेक्ट करें, जितना हद तक हो सके पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ इसको करें, क्योंकि आजकल जितने भी MNCs हैं उनमें वेबसाइट ऐप और मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में काफ़ी काम इस समय है, और सैलरी ऑफकोर्स MNC के बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये 5 टेक्निकल स्किल्स क्या करें, आप अपने अंदर पैदा करें जिससे आप आराम से किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में जा सके। अब मैं आपको ऐसे नॉन टेक्निकल स्किल 5 आपको बता रहा हूँ जिनके आप प्रिपेयर करें, जिसको MNC में बहुत ज़्यादा टेस्ट किया जाता है। और ये जो 5 नॉन टेक्निकल स्किल है, इनमें सबसे पहला स्किल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए ही कंपनी जॉब दे रही है, तो आप एक कस्टमर के प्रॉब्लम को, कंपनीज के प्रॉब्लम को एप्लीकेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, ये मल्टीनेशनल कंपनीज सबसे पहले देखना चाहती है। तो आपका एनालिटिकल माइंड, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आप कैसे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, वर्क प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका बेस्ट होना चाहिए। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि हम बात करें यहाँ पे टीम वर्क के बारे में, आपको ये ध्यान रखना है कि एक टीम के रूप में आपको काम करना, और मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत बड़ी टीम आपको मिलेगी, तो इन सारे टीम्स के साथ आप कैसे वर्क करेंगे, कैसे इनके साथ आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस मिलाना पड़ेगा, इनके साथ किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े ना हो, कहीं मनमुटाव ना हो, और इनके साथ आपको कई घंटे भी काम करने हैं तो आपका टीम वर्क कितना बेटर है, ये मल्टीनेशनल कंपनी में टेस्ट किया जाता है। तीसरा, जो मल्टीनेशनल कंपनी में देखा जाता है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। आप इमोशन में कितना काबू रख पा रहे हैं, अपने गुस्से में, अपने स्ट्रेस में, अपने किसी भी थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में काबू अगर आपका बेहतर है तो आप मल्टीनेशनल कंपनीज में वेलकम है, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में कोई भी इश्यूज को जगह नहीं दी जाती है, केवल वहाँ पे वर्क को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप अपने इमोशंस को कितना मैनेज कर पा रहे हैं ये भी देखा जाता है। चौथा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आप आपस में बात कैसे कर पा रहे हो, आप अपने बॉस से कैसे बात कर पा रहे हो, अपने कलीग से कैसे बात कर रहे हो, कस्टमर से कैसे बात कर रहे हो, खास करके जब आपका मूड अपसेट हो या आपको गुस्सा आ रही है तो आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन स्किल्स में देखा जाता है।
तो आप अगर एमएनसी में जाना चाहते हो तो कम्युनिकेशन स्किल को बहुत सुधार ले और इसके लिए बहुत सारे वीडियोस देखे, किताबें पढ़े, मेंटली प्रिपेयर हो, बार बार आईने के सामने बोले, किसी बड़े अधिकारी के सामने या बड़े प्रोफेसर लेक्चरर्स के सामने भी आप बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स के सामने बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन को सुधारे। मल्टीनेशनल में कम्युनिकेशन वीक होने से जॉब नहीं लगती है। और फाइनली फिफ्थ और लास्ट पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। आपको ये ध्यान रखना है, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में टाइम की बड़ी कीमत होती है। एक प्रोजेक्ट को कितने देर में कंप्लीट करके देना है ये आपको पता होना चाहिए, और कंपनी आर्ग्यू नहीं सुनती है कि आपने डिले क्यों किया। तो आप क्या करें, प्रोजेक्ट में को कितने किस तरीके से सही टाइम में आपको कवर करना है, इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करें। एक पर्टिकुलर टाइम में कितना प्रोजेक्ट आपको कवर करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, समय कैसे बचाना है, ये पूरा आपका एक्शन प्लान तैयार होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, नॉन टेक्निकल स्किल्स आपकी ये पांच जो मैंने बताए और पांच टेक्निकल स्किल्स बताए, तो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन स्किल को आज से मजबूत कर ले, क्योंकि कैरियर और सैलरी पैकेज में एमएनसी से आज बड़ा कोई नहीं है। और अगर आप एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं तो गो फॉर एमएनसी। ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो है विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर के द्वारा बनाए जाएंगे। मैं अमित सर, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तो आप वीडियो को लाइव देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको शेयर जरूर करें, जिससे बहुत सारे ऐसे लोग जो आईटी फील्ड में हैं उनको भी अच्छा रहे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।